श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत हो गई। मामला शहर के वार्ड नंबर 45 का है, जहां जानकारी के मुताबिक युवक का पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं मृतक के परिजन मुआवजा देने की अब मांग पर अड़े हैं। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के चौथे दिन अधिवक्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए घंटा घर पर सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ अधिवक्ताओं ने हवन में आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की। इससे पूर्व अधिवक्ता ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते हुए कोर्ट परिसर में रैली के रूप में घंटाघर पहुंचे, जहां हवन यज्ञ कर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की। यज्ञ के बाद यह एक सभा भी आयोजित की गई, जिसको अधिवक्ताओं सहित अन्य संगठन ने से जुड़े लोगों ने संबोधित किया। सरकार को साफ चेतावनी दी कि यह केकड़ी शहर है, जिले के साथ छेड़खानी हुई तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। अलवर के खेड़ली कस्बे में स्कूली बच्चों को साथ लेकर नगरपालिका ने स्वच्छता रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगरपालिका ने ये स्वच्छता रैली निकाली है। इस रैली को नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पॉलीथीन के बजाय इको फ्रेंडली बैग का उपयोग करने को लेकर सभी से आग्रह किया गया। उदयपुर ज़िले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें 5,358 आवेदनों में से 1,307 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। इसमें हवाई यात्रा के लिए 218 और रेल यात्रा के लिए 1,089 लोग चुने गए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने लॉटरी निकाली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त समेत कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि निशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए मुख्य और प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। उदयपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बड़ा अवसर है। खबर जयपुर से है, जहां पर ललित कला अकादमी के सभागार में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला 2024 आयोजित हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि पोषण माह में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही राजस्थान अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर है। उन्होंने CDPO महिला पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि कुपोषण से बचाव के लिए पोषण जैसे सेवा के पुनीत कार्य का अवसर मिलना गर्व का विषय है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के कारुंडा में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर डी के कामा से है, जहां पर नवजात शिशु के चौराहे पर जन्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के लोग कामा के राजकीय अस्पताल में पहुंचे। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि महिला का दिमागी संतुलन काफ़ी समय से खराब है और आए दिन अचानक घर से बाहर निकल जाती है और कल दोपहर प्रसूता महिला अपने घर से निकली थी। कल 2 बजे की निकली हुई है, मैंने उसको पूरे दिन पूरी रात खोज की क्यों नहीं मिली। फिर मुझे एक मोबाइल से मैसेज आया कि भाई आपके बच्चे कामा में हॉस्पिटल में है, उसके पास बच्चा हुआ पड़ा है। तो वो वीडियो जब उन्हें देखी, उन लोगों ने देखी, जब मेरे लिए फ़ोन किया तो मैं फौरन यहाँ हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में आने के बाद में मेरे बच्चे सारे सुरक्षित
तीन बच्चे उसके साथ में थे, चौथा बच्चा वो जिसने जन्म लिया। और जबलपुर के आमेर में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए शिला माता मंदिर में सुबह 6:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना होगी और 7:30 बजे से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि को लेकर आमेर महल में विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 के वार्डवासी पादरली प्याऊ पर डंपिंग यार्ड की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष, ईओ और पार्षद मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों को 7 दिन के अंदर समाधान करने का आश्वासन दिया, जिस पर वार्डवासियों ने धरना समाप्त किया। पसंद नहीं, उसकी व्यवस्था भी की हमने पिछले कई वर्षों से। डंपिंग यार्ड की थोड़ी जो है समस्या थी, तो हमने टीम साहब को, कलेक्टर साहब को, मंत्री जी को इसका जो है इसके लिए अवगत कराया हमने। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी, जल्द से जल्द जो है डंपिंग यार्ड के लिए जमीन मिल जाएगी। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ, वास्तव में वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। डीडवाना जिले के दौलतपुरा गांव में बीते रविवार रात कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। पुलिस के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की यह घटना करीब 2 घंटे तक चलती रही। बाद में सूचना पर डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों से छुड़वाया। इस मामले में पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है, साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं चौथमल मरोट का निवासी है, चौथमल माली। उसने एक रिपोर्ट वहाँ पे थाना अधिकारी को दी थी कि उसकी बच्ची है जो कि माइनर है, उसके साथ में कमल नाम का जो लड़का है वो छेड़खानी और उसके कोई असली लड़के थे, कि इस तरह की रिपोर्ट वहाँ पे प्राप्त हुई थी। इसी इतला पर उसकी इतला ये थी कि दौलतपुरा में वो लड़का यहाँ पे है। इस पर हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई थी, शाम का समय था। तो टीम जब यहाँ पे पहुँची तो उनके जो परिजन थे उन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और जो गाड़ी थी उनके पास में प्राइवेट उसका कोई पत्थर मारा, उससे शीशा डैमेज हुआ है। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीबन 5 लोगों को राउंड अप किया है उसमें, और जो यहाँ पे जो हमारे जवान आए थे उनकी तरफ से थाना डिडवाना में मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी हम उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। डूंगरपुर जिले के चकमहुड़ी गांव में एक लेपर्ड ने घर के पास बंधे गाय के बछड़े का शिकार कर लिया, जिसके बाद पशुपालक मरे हुए बछड़े को देखकर चौंक गए। लोगों ने कहा कि आसपास के क्षेत्र में पहले भी कई बार लेपर्ड देखा गया है, वहीं हमले के बाद से ही हर क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है।